वो बैकग्राउंड है मेन पॉइंट।
जो है वो इन नमा नि मिला लेकिन उसके बाद गुरु साल गए वयुता फिर क्या हैसियत है। आप देखिए जैसे ही है, जैसे के साथ
मामला हुआ, जनाब उम्मे सलमान पड़ी चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, सरकार है सपनी मरतबत, और आके कहती हैं क्या मैं चादर के अंदर आ जाऊं? कौन है जनाब उम्मे सलमा? जनाब उम्मे सलमा हुजूर सरकार कायनात की जौजा है और मुस्तनद तरीन जौजा है, जबरदस्ती वाली नहीं। Yeah.
चादर के नीचे मैं आ जाऊं, कहा जा सकता है मेरी जान चादर के नीचे आ जाओ, जिना मैं फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा चादर के नीचे आ गई। अब जनाबे जिब्रील आए ऊपर से, जब सब के सब लोग आ गए चादर के नीचे, तो आपने सुना है या रब्बे वमन तहतल के साथ पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? मैं कहूंगा जिब्रील इतने भोले तो ना बनो भाई, तुम रसूल को नहीं जानते हो, तुमने अली से मुलाकात नहीं की है, तुम इमाम हसन ने करीमैन की दुनिया को तुमने नहीं बुलाया है, इसमें कौन सी नई शख्सियत है कि तुम नहीं पहचान पा रहे हो? तुम रसूलुल्लाह के पास कम से कम कुरान की कितनी आयात है? 6,666 आयात और 6,666 मरतबा तो तुम रसूल के पास आए हो, 6,666 मरतबा तुम रसूल के पास आए हो, जब उनके दौलत कदे पे आते रहे होगे, पहले से भी मुलाकात होती रही होगी, और तुम तो अहले बैत के दरवाजे के जारूब कश हो, तुमने इमाम हसन और इमाम हुसैन के झूले को झुलाया है, इसमें कौन सी नई शख्सियतें हैं कि तुम नहीं जानते? अब जनाबे जिब्रील की आवाज आएगी, इसमें ताबित साहब मसला ऐसा है कि अभी तक हमने नूरे मोहम्मद को अलग देखा था, अभी तक हम नूरे अली को अलग देखा था, अभी तक हम नूरे फातिमा को अलग देखा था, अभी तक हमने नूरे हसन को अलग देखा था, अभी तक हमने नूरे हुसैन को अलग देखा था, अब जब सब चादर के नीचे जमा हो गया है तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नूर नूरे अली है, कौन सा नूर नूरे मोहम्मद है, कौन सा नूर नूरे फातिमा है, कौन सा नूर नूरे हसन है, कौन सा नूर नूरे हुसैन है। एक सलावत पढ़े सरकारे सपनी मर्तबत ने फरमाया कि चादर के नीचे है कौन? सरकार की तरफ देखे, सरकारे सपनी मर्तबत ने चादर के दोनों किनारों को पकड़ा। अब ये मेरी आवाज की सस्तगी है कि मैं बात को कायदे से पकड़ा नहीं पा, दोनों किनारों को पकड़ा, अब पकड़ने के बाद कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती कर रहा, इसलिए कि इनका खून
पानी बन गए अहले बैत के नाम से नजर नहीं दिला सकते। पर अहले बैत तो आ नहीं जाते ना गिलास में, उनकी रूहें तो वदियत नहीं कर जाती है ना इस गिलास में, सिर्फ सवाब ही तो उन तक पहुंचता है। अमा भैया जब नजस गिलास में नजर नहीं दिला सकते सिर्फ ये सोच के कि अहले बैत के नाम से ये मौसूम हो जाएगा, फिर आप जरा सब तवज्जो करें, हमारा गिलास से दिल अगर गलत है, हमारा कासे दिल अगर खराब है, गंदा है, नजिस है, तो इसमें कहां से अहले बैत आ जाएंगे। भाई ये वो गिलास है कि जिसमें अहले बैत आएंगे, इसमें आएंगे नहीं, इस वाले गिलास में आएंगे। जब ये नजिस है और इस पे आप नजर नहीं दिला पाते तो ये जो गंदा है, भरी हुई है गंदगियां, कसापतें भरी हुई हैं, निजासतें भरी हुई हैं, हम पाक नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सीना झूठ से भरा हुआ है, हमारा सीना देवतों से भरा हुआ है, हमारा सीना जो है वो गलत कार्यों से भरा हुआ है, हमारा सीना गलत सोचने से भरा हुआ है, तो कहां से अहले बैत अलैहिस्सलाम। मैंने बारह आपसे अर्थ किया है, बारह अर्थ किया है, फिर अर्थ किए दे रहा हूं कि हमारे चैलेंज करने से कुछ नहीं, चैलेंज जमाना कर रहा है। अहले बैत पे इतनी अदीम हस्तियां हैं कि उनके साथ खड़े होने के लिए हर एक आमादा है, आलम इस्लाम का हर बंदा अहले बैत से लगना चाहता है, लेकिन ये मालूम है कि अहले बैत कौन है, अहले बैत से सब। तो अगर सिर्फ ये चैलेंज के तौर पर है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं, तो कमाल नहीं हो सकता। हम ऐसे बने, तवज्जो मेरे नौजवान दोस्त, हम ऐसे बने कि राह के ऊपर चलने वाले हर एक किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला कोई भी फर्द, कोई भी बशर ये कहे कि हाँ ये हुसैन के मानने वाले हैं, ये अली के चाहने वाले हैं, ये करबला का मातम करने वाले हैं,
अजीब अजीब तरह से लोग न जाने कहाँ कहाँ की तरह विचार के लिए आ रहे, क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप। और ये सब छोटे नवों पान की बात नहीं करो, बड़े बड़े जिनका नाम चलता है गली गली और घर घर, वो लोग अजीब अजीब सी चीजें आपके यहाँ बहुत से नहीं पढ़ा जा रहा, आपके यहाँ कम से कम उन तरफ को नहीं पढ़ा जा रहा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ ये तमाम चीजें वो है आप बिल्कुल चाहिए आप इस बात बताया गया नहीं देते हैं।
की फौजें उधर, उधर की फौजें इधर,
मेरे लाल कासिम कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आती है। मेरे लाल कासिम बेटा कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आई। जब तीन मर्तबा आवाज दे दिया कोई आवाज नहीं आई, तो एक ऊंचाई के ऊपर आके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहते कासिम, अब तुम्हारा चाचा तुम्हें आवाज नहीं दे रहा है, बल्कि मामे वक्त में आवाज दे रहा है। मेरे लाल कासिम कहाँ हो, अल्लाह अल्लाह क्या कयामत के मसाइब है। एक मर्तबा जिसमें जनाब कासिम के डूबे हवाओं में बदल धोने लगे, लबैक या इमाम, लबैक या इमाम, लबैक या इमाम। इमाम करीब आते हैं, आने के बाद दो दानों होके बैठ जाते हैं। मेरे लाल कासिम अपने चाचा को माफ कर देना बेटा, बेटा कासिम मुझे आने में ताखीर हो गई। एक एक टुकड़े को उठाया, अब हम रखा खयाम पहुंचते हैं। ज़ैनब को आवाज देते, ज़ैनब मेरे बहन लो कासिम आ गया। कासिम जनाब ज़ैनब आती है, आने के बाद कहती भैया कहाँ कासिम है, भैया कहाँ कासिम है। कासिम की लाश तो कहीं नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब तो ये समझ रही थी चलो शहादत हो गई, मगर लाशा तो होगा। ज़ैनब लाशा देखने के लिए आई थी, लाशा कहीं दरवाजे के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। एक मर्तबा हुसैन ने एक तरफ इशारा किया, ज़ैनब ने क्या देखा, ये कटरी रखी हुई है तड़प जाती है। नहीं नहीं ये कोई और होगा, मेरा कासिम नहीं है, नहीं बहन ये हमारा कासिम है, जिसको तुम्हारे मानों की तो तुम्हारे आदमी परमा और हम सबको उसका मानता है।